असलम एवरी वन वेलकम टू व कैबग्राम यू लर्न इंग्लिश विद ईजी लेसन आज के लेसन में हम ये फ्रेजेस पढ़ेंगे इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं लूज हार्ट लूज़ वन्स नर्व्स लूज वंस हेड लूज वंस टेम्पर लूज ट्रैक ऑफ टाइम लूज फेस और और भी बहुत सी हैं ठीक है थीके? ये मेरे से किसी ने रिक्वेस्ट की थी आप में से ही किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने उनको नोट डाउन कर लिया तो आज इन फ्रेजेस को मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस लेसन में तो एंड तक देखिएगा लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रेजेस क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली फ्रेजेज़ हैं तो आप लाजमी इस लेसन को जो है एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि इनका क्या मतलब है ठीक है लूज हार्ट हम कब यूज़ करते हैं जब कोई इंसान जो है वो दिल हार जाता है जब समाइम्स होता है ना कि इंसान को अगर बहुत ज्यादा नाकामी का सामना हो रहा हो तो इंसान के अंदर से अगर उम्मीद खत्म हो जाए ना और वो दिल हार जाए जिसको हम बोलते हैं उर्दू में ठीक है तो इसका मतलब है कि दैट पर्सन इज लूजिंग हिज हार्ट ठीक है वो अपना दिल जो है ना वो हार है वो उसके अंदर से उम्मीद होप जो है वो खत्म हो रही है ठीक सेंटेंस क्या होगा आफ्टर रिसीविंग सो मेनी रिजेक्शंस ही बिगेन टू लूज हार्ट इन हिज जॉब सर्च कोई इंसान है वो जॉब की तलाश कर रहा है और वो हर जगह पे उसको रिजेक्शन मिल रही है जहां जहां भी उसने जॉब के लिए अप्लाई किया तो क्या होता है दो या तीन, दो या तीन मतलब रिजेक्शन्स के बाद या इससे ज़्यादा भी तो इंसान क्या कर इंसान के साथ क्या होता है द पर्सन लूज इज़ हार्ट ठीक है वो उसका दिल जो है वो हार जाता है उम्मीद उसको ख़त्म हो जाती है ऐसे लगने लगता है शायद मुझे जॉब मिलेगी ही नहीं ठीक है

मतलब मेहनत के साथ हार्ड तरीके से जो है वो अपनी गेम को जारी रखा ठीक नेक्स्ट है जी लूज़ वंस नर्व अच्छा इसका क्या मतलब है ये ना मिलती जुलती फ्रेजेज हैं इसलिए कंफ्यूज करती हैं कि शायद ये इनके मीनिंग एक जैसे हैं लेकिन इन सारी फ्रेजेज़ के मीनिंग्स जो है ना वो डिफरेंट है इसलिए इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है लूज़ वंस नर्व क्या होता है जब इंसान एकदम से घबरा जाए और वो काम ना कर पाए जो वो कर सकता है या उसने प्लानिंग की हुई है करने के लिए ठीक है जो वो करने लगा है एकदम से किसी सिचुएशन में ऐसे मतलब एक प्रेशर आता है और इंसान जो है वो हो जाए वो वो डर जाए, वो घबरा जाए, घबरा ठीक है तो जब घबरा जाता है तो इंसान क्या करता है उसका वो अपना नर्व लूज कर रहा है ऐसा होता है जैसे इंटरव्यू में जाते हैं हम आपको मैं आपको एग्जाम्पल दू अरे इंटरव्यू में जाते हैं जब तब होता है ये आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो लेकिन जो ही आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं चेयर के ऊपर

कि अब अपने नर्व को लूज़ कर रहा है मतलब वो उसने प्रेशर ले लिया है अपने ऊपर और वो घबरा गया है ठीक है लूज हार्ट का क्या मतलब होता है कि इंसान ने उम्मीद खो दी है वो डिसहार्ट हो गया है ठीक है लूज नर्व का क्या मतलब होता है कि इंसान एक सिचुएशन में प्रेशर में घबरा गया है ठीक सेंटेंस देख लेते हैं जस्ट बिफोर हर बिग प्रेजेंटेशन शी लॉस्ट हर नर्व एंड डिसाइडेड नॉट टू ऑन स्टेज उसकी प्रेजेंटेशन थी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी बिग प्रेजेंटेशन थी उससे थोड़ी देर पहले ही शी लॉस्ट हर नर्व मतलब वो एकदम से घबरा गई और फिर वो स्टेज पर नहीं गई उसने फैसला किया मैं नहीं जाऊंगी स्टेज पर प्रेजेंटेशन देने के लिए ये बहुत से लोगों के साथ ऐसे क्रुशल मोमेंट्स में होता है इसी तरह से ही लॉस्ट इज नर्व ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड कुडंट आंसर द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली ठीक है ना इंटरव्यू के दरमियान में चूंकि एकदम से प्रेशर उस वक्त फील होता है इंसान को स्ट्रेस फील होता है एंड ही लॉस्ट हिज नर्व कि वो जो है वो अपना जो जो घबरा गया है वो ठीक है अपना कॉन्फिडेंस उसने लूज कर दिया वहां पर और वो जवाब नहीं दे पाया अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी लूज वंस हेड अब यह इसका क्या मतलब है समझ लीजिएगा नर्व का मतलब हो गया इंसान घबरा गया लूज हार्ट का मतलब हो गया कि इंसान ने उम्मीद छोड़ दी लूज हेड का मतलब ये हो गया कि इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर वो ठीक तरीके से सोच नहीं पा रहा है स्ट्रेस में जब होता है देखिए लूज नर्व और लूज हेड इन दोनों को आप कंफ्यूज कर सकते हैं लूज नर्व का मतलब ये होता है कि उसमें भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन ही होती है लेकिन उसमें ये होता है कि इंसान घबरा गया है उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है तो तब आप कहेंगे दैट पर्सन लॉस्ट नर्व लेकिन जब कहेंगे पर्सन लॉस्ट इज हेड तब उसका मतलब ये होता है कि वो इंसान एकदम से होता है ना कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है या उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है और वो क्लियरली सोच नहीं पाता है और सही फैसले नहीं ले पाता है वहाँ पर हम लूज़ हेड जो है वो इस्तेमाल करते हैं वहाँ लूज नर्व्स नहीं इस्तेमाल करेंगे लूज नर्व का मतलब ये होता है कि आप किसी सिचुएशन में प्रेशर ले लिए आप घबरा गए लूज़ हेड का मतलब ये होता है कि आप स्ट्रेस हो गया है इतना ज़्यादा सर के अंदर दिमाग के अंदर इतना स्ट्रेस हो गया है कि आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं और ठीक फैसले नहीं ले पा रहे एक्चुअली ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड ये जो फ्रेज है ठीक है जैसे इसका सेंटेंस देख लेते हैं ड्यूरिंग द एमरजेंसी पर देखिए लोग कंफ्यूज करके लूज नर्व जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं लूज नर्व का मतलब इंसान घबरा गया पैनिक कर गया ठीक है अगर आपका ये कहने का मकसद है कि ड्यूरिंग द एमरजेंसी ही लॉस्ट इज नर्व्स तो आपका तब ये कहने का मतलब ये है कि उस एमरजेंसी के दौरान में ना वो पैनिक कर गया घबरा गया ठीक है वो बिल्कुल ही उसके घबराहट वाली सिचुएशन लेकिन अगर आप यह कह रहे हैं कि दैट पर्सन लॉस्ट इज हेड अब आपका कहने का मतलब ये है कि वो ठीक तरीके से फैसले उस सिचुएशन में नहीं ले सका कि अब क्या करना चाहिए मुझे अब क्या करना चाहिए ठीक है ये नहीं वो कर सका ठीक है तो लूज हैड फॉलो दि सेफ्टी प्रोसीजर जो सेफ्टी के प्रोसीजर्स थे जो बताए जाते हैं वो वो फॉलो ही नहीं कर सका क्योंकि दैट पर्सन लॉस्ट इज हेड उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैंने क्या करना है ठीक है वो फैसला नहीं ले पा रहा अच्छा जी शी लॉस्ट आर हेड इन द हीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज सेट थिंग्स शी डेंट मीन ये बहुत ये भी बहुत लोगों के साथ होता है समटाइम्स इन ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट वी लूज आर हेड हम अपना जो ना आपा खो बैठते आपा नहीं यहाँ पर होगा मतलब हम अपना दिमाग से ना सोच नहीं पाते हैं क्लियरली सोच नहीं पाते कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए और ऐसी बातें बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए ये हम में से सबके साथ ही होता है ऑलमोस्ट ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट जब ऐसे कोई बड़ी हीटेड किस्म की आर्ग्यूमेंट किसी के साथ चल रही हो ठीक है तो वैसा ही हुआ और उसने वो बोल दिया जो उसको नहीं बोलना चाहिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर दिया अच्छा जी यहाँ पे आता है लूज वंस टेम्पर ये है आपा खोना लूज वंस टेम्पर जो होता है आप टेम्पर लूज कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप अपना आपे से बाहर हो रहे हैं आप अपना आपा खो रहे हैं मतलब आप सडनली एकदम से आपको गुस्सा आ रहा है आप एंग्री हो रहे हैं बहुत ज्यादा तो उसके लिए हम कहते हैं पर्सन इज लूजिंग हिज टेम्पर ठीक है या ही लॉस्ट हिज टेम्पर ठीक है ही लॉस्ट हिज टेम्पर वेन ही फाउंड आउट हिज कार हैड बीन डैमेज कार पे कुछ स्क्रैच कर जाए ना जरा सा भी तो हम जो है वो अपना टेम्पर लूज ही कर जाते हैं, वहां पर एक एकदम से गुस्सा आ जाता है भी किसने किया ये ठीक है तो ये वो सिचुएशन होती है आगे है ही इज यूजुअली वेरी पेशेंट बट ही लॉस्ट हिज टेंपर आफ्टर वेटिंग इन लाइन फॉर ओवर एन आवर ठीक है एक घंटे से ज्यादा अगर आप एक लाइन में खड़े हुए हैं तो और गर्मी का अगर मौसम है तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान जो है वो अपना टेंपर लूज कर जाएगा ठीक है तो ही लॉस्ट हिज टेंपर बिकॉज़ ऑफ वेटिंग इन लाइन ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास फ्रेस है वो है जी लूज ट्रैक ऑफ टाइम ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फ्रेज़ भी इसको भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश से रिलेटेड इसका मतलब ये होता है कि आप किसी काम में इतने खोए हुए हैं कि आपको वक्त का पता ही नहीं लग रहा यू लॉस द ट्रैक ऑफ टाइम ठीक है आप टाइम का जो ट्रैक रखना है वो ही आप भूल गए कि भाई क्या वक्त हुआ है समटाइम्स हम बातों में इतना खो जाते हैं अपने किसी अगर दोस्त के साथ बैठे हुए हैं कोई बहुत गहरे फ्रेंड के साथ ठीक है बातों में इतना खो जाते हैं ठीक है तो क्या होता है वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम ठीक का जिसको कहते हैं ना का पता ही नहीं चला शी लॉस ट्रैक ऑफ टाइम रीडिंग एंड मिस्ट हर अपॉइंटमेंट मतलब वो पढ़ रही थी कोई किताब वगैरह और उसको वक्त का पता ही नहीं लगा और उसकी अपॉइंटमेंट थी और वो अपॉइंटमेंट उसकी मिस हो गई ठीक नेक्स्ट है जी आई ऑफ लूज ट्रैक ऑफ टाइम गेम्स होता है जो लड़के बड़े शौकीन होते हैं वीडियो गेम्स के ठीक तो वो क्या करे वो वीडियो गेम्स खेल रहा था और उसमें क्या हुआ कि ही लॉस ट्रैक ऑफ टाइम उसको वक्त का पता ही नहीं लगा अच्छा अब क्या है जी नेक्स्ट हमारे पास वो है जी लूज साइट ऑफ ये जहन में रख ली लूज साइट ऑफ का क्या मतलब होता है लूज साइट ऑफ का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज के ऊपर से आपका फोकस जो है ना या आपका जो ध्यान है वो बट गया मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके ऊपर आपका आप मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गए आप कुछ और चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो गए कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसके ऊपर से आपका ध्यान हट गया उसके ऊपर से आपका फोकस हट गया जो फोकस हटना होता है ना उसको कहते हैं लूज साइट ऑफ ठीक है जैसे सेंटेंस है इन द परसूट ऑफ सक्सेस इट्स इजी टू लूज अ साइट ऑफ योर हेल्थ अक्सर लोग जो है जो किसी काम में इतना घुसे हुए होते हैं किसी कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं या कोई भी अपना गोल है उसको अचीव करने में लगे हुए हैं सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं तो क्या होता है कि उस उस टाइम पीरियड में अक्सर लोग दे लूज अ साइट ऑफ देयर हेल्थ वो अपनी सेहत को इग्नोर कर देते हैं सेहत के ऊपर से उनका फोकस जो है ना वो हट जाता है ठीक है और फिर वो सेहत जो सक्सेस तो मिल जाती है लेकिन वो सक्सेस मिल पाने के बाद आपकी सेहत जो है वो खराब हो चुकी होती है ठीक तो इसका मतलब है लूज साइट ऑफ मतलब ध्यान उधर से हट गया फोकस हट गया वहां से इसी तरह से डिस्पाइट द चैलेंजेस नेवर लूज साइट ऑफ योर ड्रीम्स आपकी जिंदगी में जितने मर्जी मसाइल आए जितने मर्जी चैलेंजेस आए आप कभी भी अपने ड्रीम्स के ऊपर से अपना ध्यान मत हटाओ नेवर लूज साइट ऑफ योर ड्रीम्स ठीक है चले जी नेक्स्ट आ गया लूज फेस बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना नाक कटवाना उसको इंग्लिश में कहते हैं लूज फेस ठीक है face, को कोई ऐसी हरकत करना कि जिसकी वजह से लोगों के सामने आपकी बेजती हो जाए शर्मिंदगी हो जाए आपकी इज्जत जो है ना वो लोगों की नजरों से गिर जाए ठीक है आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए उसको कहते हैं लूज फेस मतलब नाक कट गई ठीक है उसके लिए होता ही है ही लॉस्ट फेस वेन ही वॉज कॉट लाइंग अबाउट हिज अचीवमेंट्स अक्सर लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बोलते अरे मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने वो किया मैंने ये अचीव किया मैंने वो अचीव किया, किया मैंने वो सारा झूठ होता है और जब वो लोगों लोगों को लोग पकड़ लेते हैं कि दैट पर्सन वॉज लाइंग तो फिर क्या होता है दैट पर्सन हिज फेस या लॉस्ट फेस ठीक है अपना नाक कटवा दी उसने बेजती करवा ली ठीक शी she शी वुड लूज फेस इफ शी आस्क फॉर हेल्प आफ्टर बोस्टिंग अबाउट abilities अबिलिटीज कोई इंसान जो बड़ा बोस्ट करे ना कभी बड़ी शेखी मारे मैं ये कर सकता हूँ ये कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ और उसके बाद जो है उसको किसी उसी काम में किसी की मदद की जरूरत है तो क्या फील होता है उसको नहीं भी बेजती हो जाएगी अगर मैंने किसी से जाके हेल्प मांगी लोग कहेंगे बड़ा पहले तो बड़ी शेखी मारी थी मुझे ये भी आता है मुझे वो भी आता है और अब हमसे पूछ रही है आकर ठीक है तो वो बेजती होना जो होता है ना उसको हम कहते हैं लूज फेस अच्छा जी, हमारे पास भी है. है का मतलब होता कि आप, जैसे आप जैसे कोई काम पहले प्लेयर थे ठीक थे? लेकिन फिर बहुत देर तक आपने नहीं खेली और आप जाहिर जिंदगी के मसायल में हो मतलब गुम हो गए जॉब वगैरह में बिजी हो गए ठीक लाइफ में उसके बाद बहुत सालों बाद आप खेलना की कोशिश करें तो आप वो जैसे पहले खेल पाते थे वैसे अगर आप ना खेल पाए तो इट मीनस यू लॉस्ट योर टच ठीक तो उसके लिए यूज़ होता है कि कोई भी स्किल हो इंसान के पास जो पहले वो बहुत अच्छा करता हो लेकिन उसके बाद उसने बहुत अरसे से उस स्किल में प्रैक्टिस ना की हो और उसकी वजह से जो है वो इंसान आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाए और वो उतना बेहतर परफॉर्म ना कर पाए कोई भी स्किल हो मैंने भी सिर्फ आपको क्रिकेट की एग्जाम्पल दी वो कोई भी स्किल हो सकती है ठीक तो फिर क्या होता है आपने अपना टच लूज कर दिया है यू लॉस्ट योर टच उसके लिए इस्तेमाल होती है ये वाली फ्रेज जैसे कि ही यूज टू बी फ्लुएंट इन फ्रेंच आप यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज कह सकते हैं क्योंकि उसको वो लैंग्वेज बड़ी अच्छी आती थी एरबिक हो सकती है इंग्लिश भी हो सकती है लेकिन इंग्लिश अब जाहिर बात हमारा हम बोलना छोड़ते नहीं है वो तो हमारे रोजमर्रा की अब हो गया पार्ट बट आफ्टर नॉट यूजिंग इट फॉर यर्स ही लॉस्ट टच विद द लैंग्वेज क्योंकि पहले वो अच्छी बोल लेता था फिर क्या हुआ कि बहुत सालों से चूंकि वो बोल नहीं रहा था तो फिर क्या हुआ ही लॉस्ट इज टच कि वो उसको वो लैंग्वेज उस तरह से उतनी जो फ्लूंसी उसकी थी ना वो डिस्टर्ब हो गई उसकी अच्छा जी शी हैड लॉस्ट टच विद हर आर्टिस्टिक स्किल्स सिंस शी स्टॉप पेंटिंग रेगुलरली कोई पेंटर है पेंट बहुत अच्छा करता है या करती है अगर वो बहुत अरसे तक पेंट ना करे तो फिर क्या होगा वो भी अपना जो टच है वो लूज कर जाएगा ठीक है तो शी लॉस्ट ओके जी यहाँ पे लेसन खत्म होता है इसी तरह से आपको कुछ और जानना है कुछ कंफ्यूज करते हैं आप कमेंट्स में आप लोग पूछते रह करें आप लोग अक्सर मुझे लिखते हैं मैम अब कमेंट्स नहीं पढ़ती मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स। ठीक है रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ इतने सारे कॉमेंट्स होते हैं कुछ को रिप्लाई कर भी देती हूँ सबको नहीं कर पाती हूँ आई एम सॉरी फॉर देट लेकिन मैं आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और आप लोगों की रिक्वेस्ट को मैं नोट डाउन करती हूँ और फिर उसके हिसाब से फिर आपके लेसन बनाती ओके जी अल्लाह हाफिज